हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल DLX9 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज कुमार आज आप सबको CBSX के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण करते हैं तो आपने CBSX का नाम तो ज़रूर सुना होगा, या फिर अपने डिटर्जेंट पाउडर में CBSX अवश्य मिलाया होगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 90% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर को इस बात का पता भी नहीं है कि आखिर CBSX है क्या तथा किस लिए हम CBSX का यूज अपने डिटर्जेंट पाउडर में करते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आपके डिटर्जेंट पाउडर में जितने भी मटेरियल मिलाए जाते हैं उनमें सबसे महंगा CBSX होता है, लेकिन आपको उसकी उपयोगिता तक पता नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले जब साबुनों से कपड़े धोए जाते थे तब सफ़ेद रंग के कपड़ों को धोने के बाद अच्छी प्रकार निचोड़ कर नील के घोल में डुबोया जाता था। आज भी बहुत लोग सफ़ेद कपड़े धोने के बाद नील के घोल में डुबोते हैं और फिर उसमें 4-5 मिनट या 2-3 मिनट रहने देते हैं। दोस्तों, नील में रंच मात्र की भी सफाई क्षमता नहीं होती, परंतु वह सफ़ेद कपड़े को जब लोग नील के घोल में डुबोते हैं तो कपड़ा पहले से ज़्यादा साफ दिखने लगता है, ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है और ज़्यादा चमकदार भी हो जाता है। बस दोस्तों, इसका यही काम होता है कि अधिक चमकदार और सफ़ेदी लाना। दोस्तों, नील पहले नील के पौधों से तैयार होता था। नील की इस बढ़ी हुई मांग ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि ऐसी वस्तु की खोज किया जाए जो नील से भी अधिक प्रभावी हो, और अंततः उन्होंने ऑप्टिकल व्हाइटनर की खोज कर डाली। दोस्तों, लगभग 1960 में टीनो पॉल ब्रांड नाम से हमारे देश में पहला ऑप्टिकल व्हाइटनर आया और आज इसका ब्रांड नेम रानी पाल हो चुका है। दोस्तों, जो काम टीनो पाल अथवा रानी पाल का होता है वही कार CBSX का भी होता है, या यूँ कहे तो रानी पाल या टीनो पाल, जिसका नाम बदल के रानी पाल हो गया, उसी को CBSX के नाम से बेचा जाता है। इसके जगह पे और भी व्हाइटनर आती है, उसे भी CBSX के नाम पर बेच दिया जाता है। दोस्तों, कोई भी ऑप्टिकल व्हाइटनर तभी अच्छी तरह से कार्य करेगा जब वह पानी में कम से कम 15 मिनट तक घुला रहे। दोस्तों, अगर आप सूखी विधि से डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें पानी वर्जित रहता है, इसलिए CBSX या कोई भी ऑप्टिकल व्हाइटनर अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता है। तो अगर आप सूखी विधि से डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप कच्ची डाइयों का उपयोग करें या फिर नील का उपयोग करें। सबसे अच्छा नील का उपयोग रहेगा, सस्ती पड़ती है और सूखी विधि से जो डिटर्जेंट पाउडर तैयार किया जाता है उसके लिए उपयुक्त भी रहता है। दोस्तों, अगर आप नील मिलाते हैं तो भी वैसी सफ़ेदी और चमक बरकरार रहेगी। दोस्तों, अगर आप हाई क्लास डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें मात्र 1% ही ऑप्टिकल व्हाइटनर मिला है, या थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी यानी मीडियम क्वालिटी के बना रहे हैं तो उस डिटर्जेंट पाउडर में मात्र 0.5% ही ऑप्टिकल व्हाइटनर मिला है। दोस्तों, अगर आप 1 किलोग्राम हाई क्लास डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो मात्र 10 ग्राम ऑप्टिकल व्हाइटनर पर्याप्त रहता है, लेकिन अगर आप बिना मशीनों का बनाते हैं डिटर्जेंट पाउडर, मात्र 0.5 ग्राम ही मिलाए बेहतर होगा, 0.5 ग्राम से भी कम मिला सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। और अगर आप मीडियम क्वालिटी में बनाते हैं तो आप उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल व्हाइटनर डाल नहीं सकते हैं। आप इसकी जगह पे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा नील का उपयोग करें, सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आप CBSX की जगह पर निम्न वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे रानी पाल, ब्लैको 4, अल्ट्रा 4, फ्लूटेक्स या फ्लूरोसॉल। दोस्तों, आप CBSX की भांति नील को भी पहले घोल कर एसी सली में मिलाकर डाल सकते हैं। इससे यह फायदा होती है कि नील या CBSX या कोई भी ऑप्टिकल व्हाइटनर अच्छी तरह से पूरी डिटर्जेंट पाउडर में मिल जाती है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा होती है इसलिए उसे मिलाने में दिक्कत होती है। तो अगर आप एसी सली में मिला देते हैं तो अच्छी तरह से मिल जाएगी, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप अगर नील मिला रहे हैं तो अंतिम चरण में ही मिलाएं, थोड़ा सा नील है
तो जो आपका तैयार डिटर्जेंट पाउडर है थोड़ा सा ले और उसमें अच्छी तरह से मिला ले और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद से पूरे डिटर्जेंट पाउडर में मिला ले तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसी सलाह से तीक्ष्ण प्रतिक्रिया करके कुछ शक्ति ऑप्टिकल व्हाइटनर या फिर नील खो ही देता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए DLX9। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू।